नमस्कार, मैं हूँ सूरज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। अपने घर जाने के लिए मजदूर भारी तादाद में बांद्रा और ठाणे के मुमरा रसीद कंपाउंड से निकले थे। उन्हें ये मालूम कि आज लॉकडाउन खत्म होगा, उन्हें घर जाने मिलेगा और 14 तारीख की सुबह 10 बजे उन्हें ये उम्मीद थी नरेंद्र मोदी ट्रेन चालू करवाएंगे, लॉकडाउन पर कुछ गरीब मजदूरों के लिए कुछ बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बांद्रा में ट्रेन नहीं, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी है। इन तस्वीरों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर कई सवाल खड़े हुए। मुंबई में किस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई है, जिससे यह सवाल खड़ा हो रहा है, ठाकरे सरकार इन गरीब मजदूरों की खाने पीने की ख्याल नहीं रख पा रही है। यही वजह है कि लोग अपने गांव, अपने वतन जाना चाहते हैं किसी भी हाल में। लेकिन कल सुबह की तस्वीर ने सरकारों को बोलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र की विफलता है। बांद्रा स्टेशन पर हुए मामले में केंद्र ये फैसला नहीं ले पा रहा है। मजदूरों को, फंसे हुए लोगों को किस तरह घर भेजना चाहिए, क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, इस पहले सुनिए। कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं, और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे। किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। आप आए हो, हमारे राज्य में हो, हम आपकी पूरी आपका ख्याल रख रहे हो, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं केंद्र से बात कर रहा हूं, मेरी केंद्र सरकार से बात चल रही है, और कोई नहीं चाहता कि आप आपके मर्जी के खिलाफ कहीं ऐसे लॉकअप में पड़े हो। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है। और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, तो मैं ही नहीं, पूरे केंद्र भी, केंद्र सरकार भी आपकी व्यवस्था करेगी। तो अब समय है चुनौती का सामना करने का, मुकाबला करने के लिए। कोई हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता, आप हिंदुस्तानी हो, कोई डरने की बात नहीं है। तो आपने सुना, उद्धव ठाकरे ने कहा, इस पूरे मामले को देखते हुए कहा, हमारे साथ रहो, मिलकर करेंगे संकट का सामना, और आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समय है चुनौतियों का सामना करने का, मुकाबला भी करने की बात कही है, याद दिलाई। हिंदुस्तानी मुकाबले से पीछे नहीं हटते। और हम आपको बता दें, पहला जनता कर्फ्यू 22 मार्च को केंद्र सरकार के तरफ से घोषणा हुआ, और इस घोषणा को सुनते हुए लोगों में भगदड़ मच गई थी। लोग अपने अपने गांव जाने के लिए कुर्ला टर्मिनस, पुणे, तरह तरह के स्टेशनों पर इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे। अन्य जगहों पर काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर स्टेशनों पर पहुंचकर ट्रेन के इंतजार में खड़े हो गए थे, जिसकी तस्वीर आप सबने देखा था। कुछ लोग तो चले भी गए किसी तरह से, लेकिन जो लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पाए, उनके लिए घर लौटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू सक्सेस रहा, यहाँ तक ताली थाली भी बजाई गई, घंटे भी बजवाए गए। लेकिन लोगों ने सोचा कि दूसरे दिन फिर से सब कुछ आम दिनों की तरह हो जाएगा, लेकिन फिर सरकारें ऐलान की, धारा 144 जनता कर्फ्यू लागू रहेगा, 31 मार्च तक रहेगा। तब भी लोगों ने 31 मार्च का दिन गिनना शुरू कर दिया, लेकिन फिर इसी बीच सरकार ने ऐलान किया लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा। तब तो और संकट सामने मंडराने लगी, लेकिन देश की जनता ने फिर एक एक दिन घर में गिनना शुरू कर दिया, गुजारना शुरू कर दिया। जैसे ही 14 अप्रैल सामने आया, देश की जनता काफी खुश हुई कि आज जो है पूरे देश में 21 दिन निकल गए हैं। इसी दौरान जनता के बीच फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10 बजे लाइव आएंगे, कुछ जनता के लिए बताएंगे और लॉकडाउन खोल देंगे। 7 सवाल के साथ साथ 3 मई तक लॉकडाउन की बात कही जनता के सामने, संकट का पहाड़ और खड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी ने 10 बजे कल जो भाषण दिया है, जो आदेश दिया है, उससे संकट जो है, जो गरीब मजदूर है, उनके सामने मंडराने लगी, जिसके चलते जनता सड़कों पर निकली थी। लेकिन इन गरीब मजदूरों को खाना नसीब होता है या नहीं होता है, लेकिन इनकी कमाई पूरी तरह से बंद है, और ऐसे में ये गरीब चाहते हैं, लॉकडाउन बढ़ गया है तो उन्हें घर जाने के लिए मौका मिले। और यही वजह है
वो लोग लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा लॉकडाउन पार्ट टू है और इस लॉकडाउन में नियम को सख्ती से पालन किया जाएगा, हिंदुस्तान की सेहत को सबसे ऊपर रखा जाएगा और 20 अप्रैल तक विचार करेंगे कौन से इलाके में लॉकडाउन हटाना है, कौन से इलाके से लॉकडाउन नहीं हटाना है। बहरहाल इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।